नरेश जी, ये हमारी एक चर्चा हुई थी कि थर्ड पार्टी ऑडिट हमें कराना है कि एजेंसीज ने डीसिल्टिंग की है नहीं की है, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, फ्लड, एमसीडी, हो क्या रहा है? आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि डीसिल्टिंग कागज़ों में हो रही है बड़े पैमाने पे, सबकी नहीं कह रहा मैं, हो सकता है कोई एक्सियन करा रहा हो, कोई ना करा रहा हो, मगर बड़े पैमाने पे ये डीसिल्टिंग कागज़ों पे होती है, ग्राउंड पे नहीं हो रही। और अगर अपने वर्कर से करा रहे हो तब भी हम कह सकते हैं कि चलिए आलस है, नहीं किया वर्कर ने, यहाँ तो टेंडर किए जा रहे हैं बाकायदा। जब टेंडर किए जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट उसकी डीसिल्टिंग नहीं करा रहा, ये तो करप्शन है। तो इस पर थर्ड पार्टी ऑडिट का क्या है इस वक्त स्टेटस? जहाँ तक सवाल एनडीएमसी का है तो वो तो डिपार्टमेंटली करते हैं, तो वहाँ तो कोई ठेकेदार इन्वॉल्व नहीं है। एंड फ्लड कंट्रोल में यानी मेजर चंक जो डीसिल्टिंग का हुआ है वो फ्लड कंट्रोल में हुआ है। करीब करीब यदि मान लीजिएगा कि इस सीज़न में 10 लाख के करीब टन के करीब किया होगा मेट्रिक क्यूबिक मीटर, तो उसमें से 80% इज विद द फ्लड कंट्रोल, बाकी 70-80 हज़ार पीडब्ल्यूडी होगा और लेस देन 1,70,000-80,000 एमसीडी का होगा। तो फ्लड कंट्रोल पे बताएं कि क्योंकि थर्ड पार्टी इन्होंने क्या किया जी? आप ऑन कर लीजिए आपका माइक ऑन, ठीक है। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मेजर ड्रेन्स हैं जो आउटफॉल करते हैं यमुना में। अब ट्रू अगर हम एक क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो जितनी डिसिल्टिंग दिल्ली में होती है ऑलमोस्ट उसका 70-80% हमारा डिपार्टमेंट करता है, लेकिन उसका अगर आप देखें तो आधे से ज़्यादा हिस्सा तो सिर्फ एक नजफगढ़ ड्रेन में होता है डिसिल्टिंग, ठीक है। तो फ्लड कंट्रोल के डिसिल्टिंग से दिल्ली में वाटर लॉगिंग का कोई कनेक्शन नहीं है, अनलेस कि फ्लड कंट्रोल का कोई आउटफॉल यमुना में चोक्ड हो या ब्लॉक्ड हो। वो आज के दिन में ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं आई है। जो वाटर लॉगिंग की सिचुएशन है सर, वो इसलिए है कि जो छोटी ड्रेन्स हैं, मझोली ड्रेन्स हैं, एक दूसरे से मिल के जब बड़ी ड्रेन्स में आ रही हैं बॉटल नेक सर दे जी, देखिए ऐसा इज कॉजिंग वाटर। मैं काफ़ी दिनों तक विभागों के पीछे था कि वो विभाग क्या है ये बोलते हैं कि 80% डिसल्टिंग हो गई, 90% हो गई। अब ये नंबर जो है किसी काम का नहीं है। तो मैंने इन विभागों से कहा, नरेश जी आप भी थे उस दिन, आप उस मीटिंग में नहीं थे, आपको वो लिखा, मुझे नोट लिखा था, उसमें बोला था कि 80% 90% ना दें, डिपार्टमेंट ये बता दें कि ये ड्रेन कितनी हो गई और ये ड्रेन नहीं हुई, ताकि उसको हम लोग वेरीफाई करा लें। तो वो जो मेरे पास आई तो मैंने 22 तारीख को उसको वेरिफिकेशन के लिए अपने यहाँ व्हाट्सएप ग्रुप्स में डाला कि भाई ये लिस्ट है जो मुझे पीडब्ल्यूडी से और एमसीडी से मिली है और इन इन ड्रेन्स के अंदर डिसिल्टिंग हो गई है, आप चेक करिए। और मेरे को 22 तारीख को जो मैंने डाला तो 23 और 24 तारीख को जो रिपोर्ट है मैं आपको व्हाट्सएप पे दिखा रहा हूँ, दिखाओ भी खोल के। ये वो ड्रेन्स हैं जिनके बारे में कहा गया है डिसिल्टिंग हो गई है और मेन रोड्स हैं। एक तो वही है जो मेरे और आतिशी के दोनों के कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच से रविदास मार्ग बहता है, उसकी ड्रेन तो हर बार जो है डिसिल्ट नहीं होती है और वहाँ पे पूरा एरिया जो है उनके घरों में पानी भर जाता है। तो मैं आपको ये मेरे और आतिशी के दोनों के पीडब्ल्यूडी का है। और अनबरासु जी, पिछले साल भी इसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, मैंने पेन ड्राइव में वीडियो बना के बिफोर रेन्स विद इंटरव्यूज ऑफ शॉपकीपर्स अराउंड कि यहाँ कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई, ये आपके नाम पे मैंने शिकायत भेजी, पेन ड्राइव लगा के भेजी, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्या है फिर ऑफिसर्स को लगता है कि डिसिल्टिंग करो ना करो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा? ये नेक्स्ट चलाओ, ये एस बैंड रोड है पीडब्ल्यूडी का, मालवे नगर के अंदर आता है ये पीडब्ल्यूडी। नेक्स्ट चलाओ, ये इसके अंदर बांस डाला है इसने और आप जितना गीला है ना
उसके करके उसने बताया कि करीब 2.5 फुट जो है इसमें सिल्ट है एंड दिस इज मेन एरिया। नेक्स्ट करो, ये हमारा रविदास मार्ग वाला है जो आतिशी और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में है, कालका जी वाला PWD ड्रेन है। नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, ये सावित्री सिनेमा के पास GK2 का PWD का ड्रेन है मेट्रो स्टेशन के पास। इसमें भी हर साल बहुत पानी भरता है। ये है, ये डॉन बॉस्को स्कूल के सामने की ड्रेन है। इसे कई जगह से चेक किया गया, हर जगह सिर्फ जहाँ चक्कर जहाँ चैम्बर है वो साफ होती है, ये एक मिनट रुको रुको। तो जो इससे पहले था वो डॉन बॉस्को है, डॉन बॉस्को वल्नरेबल पॉइंट है, पूरा अलकनंदा GK2 वहाँ से निकलता है और वहाँ पे हमेशा पानी भरता है। ये डॉन बॉस्को का भी हमने चेक कराया, पूरा का पूरा था, जबकि रिपोर्ट के अंदर आया था कि वो साफ़ कर दिया गया है, फिर जब ये वीडियो बनवाया उसके बाद उसको साफ़ कराया और आज डॉन बॉस्को के अंदर पानी नहीं भरा, मगर रविदास मार्ग को कहने के बावजूद भी साफ़ नहीं किया। उसके आगे फोटोज़ दिखाऊंगा मैं कि लोगों के घरों में सब फ्रिज TV सब ख़राब हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये DDA फ्लैट्स कालका जी में है। नेक्स्ट दिखाओ, ये देखिए, ये पानी भरा हुआ देखिए ये पूरा। नेक्स्ट, ये देखिए घुट, ये देखो यहाँ तक पानी है इसके। ये DDA फ्लैट्स कालका जी जस्ट नेक्स्ट टू रविदास मार्ग। क्या है, DDA फ्लैट्स कालका जी का पानी ही तब निकलेगा जब रविदास मार्ग डिसिल्टेड होगा, अदरवाइज उसका लेवल अप हो जाएगा, वो वापस DDA फ्लैट्स कालका जी में MCD ड्रेन के थ्रू बैक मारने लग जाता है। दिस इज गंगोत्री अपार्टमेंट, ये चलाओ। एंड इट्स अ वेरी TDS जॉब, यूजुअली कोई आम आदमी नहीं करना चाहता कि कौन ढक्कन खोल के उसके अंदर वीडियो बनाए सब करे। और अनबरासू जी, दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर मैंने पेन ड्राइव के अंदर वीडियो बना के डाला है और उसमें उस पेन ड्राइव में मैं भी हूँ, मैं ही इंटरव्यू ले रहा हूँ दुकानदारों से कि भाई ये हुआ, बोला नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ और नथिंग वॉज डन एंड आई सेंड दिस कंप्लेंट टू यू डायरेक्टली, यू डिडंट इवन रिस्पॉन्ड टू इट। यू विल गेट बैक टू मी, बट एक साल हो गया,